अल्लाम माई YouTube फ़ैमिली आप सब कैसे हैं मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सो so, आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैंने थोड़ी सी अपनी स्किन केयर की थी और अभी मैं बाहर जा रही हूँ मामा ने भी कुछ सामान लेना था और एक दो दिन से ना मौसम बहुत अच्छा है तो बस हम फिर दोपहर में ही शॉपिंग या जो भी हमने काम करने होते हैं वो हम कर लेते हैं सो so, अभी हम कैशन कैरी जा रहे हैं और रास्ते में ना ये एक मुझे नज़र आ गया था रोड पे इस तरह से स्टॉल था मिट्टी के बर्तन थे और कुछ गमले थे ना मैंने नर्सरी से गमले लेने थे लेकिन फिर मैंने यहाँ से ले लिए थे और घर जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और यहाँ पे मामा मुझे दिखा रही थी ये चिराग बड़े साइज़ का था ये बहुत प्यारा लग रहा था और इनके पास प्लेटें कप गिलास मिट्टी के सब कुछ था और डेगचियाँ भी थीं तो घर जाके मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी फिर हम यहाँ कैश एंड कैरी आ गए थे और आज ना बहुत ज़्यादा वैरायटी थी मामा ने ना यहाँ से कुछ कप्स लेने थे तो वो देख रही थी और मैं यहाँ पे थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी आज ना हर कोई कह रहा था कि आप वीडियो ना बनाएं तो मैं बहुत ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं कर सकी थोड़ा बहुत ही मैंने रिकॉर्ड किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये वाला प्लांट मुझे बहुत प्यारा लग रहा था इसको देख के ना ऑटम की फीलिंग आ रही थी और ऑरेंज कलर मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है सो अभी यहाँ पे हम बिल करवा रहे हैं और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जल्दी से ना मेरे वन के सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो जाएँ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इससे ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से क्या क्या लिया है सॉरी वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स तो ना फ्रिज में अभी रखे हुए हैं और फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम वीकली लेते हैं इस तरह से ना बस फ्रेश आ जाती हैं और वो फिर हम यूज़ कर लेते हैं सो यहाँ पे हमने शिमला मिर्च ली थी तकरीबन एक किलो थी ये बहुत फ्रेश लग रही थी और वैसे भी आलू शिमला मिर्च या कीमा शिमला मिर्च बहुत मज़े का बनता है और देन हमने यहाँ पे लिए थे देसी करेले छोटे वाले और ये भी बहुत मज़े के बनते हैं मुझे करेले बहुत अच्छे लगते हैं और वैसे ज़्यादा लोगों को करेले नहीं अच्छे लगते लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं और हमने ये प्याज़ ली थी और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी इसमें ना ये ग्रीन कलर का इस तरह से ये आ गया है और आई थिंक शायद इसको मिट्टी में लगाते हैं तो ये ग्रो कर लेती है मुझे अभी कंफर्म नहीं पता अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और जब बारिश हुई थी ना तो इस तरह का ना टब हमारे पास था और वो पता नहीं हवा से कहीं उड़ गया था कहाँ चला गया था तो ये फिर मुझे चाहिए था क्योंकि मैंने भी पेडी करना है उसकी भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी सो ये टब लिया है और हमारे पास ना पहले रेड कलर का था तो इस बार मामा कह रही थी ये डिफरेंट कलर का ले लेते हैं तो फिर हमने ये वाला कलर ले लिया कैमरे में ना ये कलर अच्छा नहीं आ रहा एक्चुअल में ना ये येलो ऑरेंज कुछ मिक्स सा कलर है और उसकी प्राइस ना थ्री सेवेंटी रुपीज़ थी और एक ही हमने हैंगर लिया था ये डोर के पीछे जो वॉल होती है ना उस पर लगा दें इसमें काफ़ी कुछ आप हैंग कर सकते हैं और काफ़ी यूज़फुल रहता है ये स्टील का है और अच्छी क्वालिटी का है और वैसे ना कैशन कैरी में ये प्लास्टिक के भी अवेलेबल थे लेकिन स्टील मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है और एक ये हमने स्पून लिया था घर में जो हमारे पास है ना वो थोड़ा छोटा वाला है तो मामा ने इस बार ये बड़ा साइज़ का ले लिया था और एक हमने ये लिया था इससे साग हलीम दाल वग़ैरह घोटते हैं मेरे माइंड में इसका नाम नहीं आ रहा अगर आप लोगों को इसका नाम पता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और ये हमारे घर में ना छोटा वाला है तो मामा ने इस बार ये बड़े वाला भी ले लिया था और बाक़ी हमने नूडल्स लिए थे हमने बहुत टाइम के बाद नूडल्स लिए हैं जब बहुत भूख लग रही हो और कुछ बनाने का दिल नहीं कर रहा हो ना तो नूडल्स बेस्ट ऑप्शन होता है तो हमने यहाँ पे ये लेमन फ्लेवर लिया है इसमें ना वैसे चिकन फ़्लेवर ज़्यादा मज़े का होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो अवेलेबल नहीं था और चिकन की जगह बीफ था वो फ्लेवर और वो हमें नहीं पसंद तो बस हमने ये लेमन का ले लिया था और ये हमने फ़्लेवर वाली मैक्रोनी ली थी इसमें ना मैंने चार नहीं पाँच लिए थे फ्लेवर्स एक के लिया था मलाई टिक्का मैक्रोनी और ये सेकंड भी मलाई टिक्का मैक्रोनी है और मैंने ना सिस्टर को कॉल कर ली थी तो उसने मुझे बता दिया था तो बाकी मैंने फिर उसके पसंद के ले लिए हैं मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सो एक यहाँ पर लिया है टिक्का मैक्रोनी और आप में से किस किस ने ये ट्राई की हुई है आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा मैंने ना इसकी बिरयानी फ्लेवर ट्राई किया था और ये चिकन मंचूरियन भी मैंने ट्राई किया हुआ है बहुत मज़े का लगता है और एक मैंने इसका ट्राई किया था बाल्टी मैकरोनी वो भी बहुत अच्छा था और इसमें आई थिंक ये न्यू फ्लेवर है चिकन जिंजर मैकरोनी लेट्स सी ये कैसा होता है इसको मैं बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये कैसा है और अगर आप लोगों में से किसी ने ये फ्लेवर ट्राई किया हुआ है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये कैसा फ़्लेवर है और यहाँ पे मैंने ली थी लजानिया शीट्स मैंने ना एक रेसिपी रिकॉर्ड करनी है और बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ रिकॉर्ड करने का तो कभी ये लजानिया शीट्स नहीं होती कभी कुछ सामान नहीं होता सो अब फाइनली सारा सामान उस रेसिपी का आ गया है मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी और मामा ये वाला लोशन यूज़ करती हैं ये मामा ने लिया है ओलिविया का मुझे ना इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगती है और इसको मैंने एक दो बार यूज़ किया है लेकिन मुझे ना इसकी फ्रेगरेंस से बहुत इरीटेशन होती है नो डाउट यह आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और विंटर्स में यह बेस्ट है लेकिन इसकी फ्रेगरेंस बहुत स्ट्रांग है और मुझे इसकी फ्रेगरेंस से ना एक सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है अब मैं आप लोगों के साथ जो मैंने गमले लिए हैं वो शेयर करती हूँ लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इससे आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा सो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये मैंने पॉट लास्ट टाइम लिया था और ये जेड प्लांट है ये माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और अभी मैंने इसको पानी देना है जब मैंने ये लिया था ना उस टाइम पे तो ये ग्रो ही नहीं करा था दो तीन महीने बिल्कुल भी इसकी ग्रोथ नहीं हुई लेकिन फिर उसके बाद इसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई थी और अब ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और इसके लीव्स भी ना नए आ रहे हैं और ये वाले दोनों पॉट्स मैंने आज लिए हैं इन दोनों की टोटल प्राइस सिक्स हंड्रेड रुपीज़ है यानी कि थ्री हंड्रेड का एक पॉट है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गया है दोनों मिट्टी के हैं और अभी मैंने इसको मेजर नहीं किया मुझे लग रहा है कि ये थर्टीन फोटीन इंच इसका साइज होगा और ये काफ़ी बड़ा पॉट है और बस यह मैंने दो पॉट्स लिए हैं और मैंने एक कप लिया है वो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ सो so, ये मैंने एक कप लिया था ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और इसके ऊपर ना ये डिज़ाइनिंग हुई हुई है और ये उनके पास ना एक ही पीस था और कभी कभी दिल करता है ना कि मिट्टी के कप में चाय पीने का वैसे तो ना वो मटके भी हमारे घर में है मटका चाय जिसमें बनाते हैं वो सॉरी सर्व करते हैं और उसमें भी ना चाय पीने का बहुत ही मज़ा आता है लेकिन ये वाला स्टाइल का कप हमारे पास नहीं था तो ये मैंने ले लिया और ये उनके पास ना एक ही अवेलेबल था और वो कह रहे थे दोबारा आ जाएगा तो फिर मैं दोबारा जाके ले लूँगी और एक मैंने ये प्याला लिया है मिट्टी का सो मैंने ना बस दो चीज़ें ये ली थी और दो गमले लिए थे और अभी है रात का टाइम और आज खाने में दाल बन रही है और जब दाल बने ना तो हम उसके साथ राइस लाजमी बॉईल करते हैं सो तो यहाँ पे ना सिस्टर ने ऑलरेडी राइस बॉईल कर लिए हैं दाल चावल मुझे बहुत पसंद हैं और हमारे घर में जब भी दाल बनती है ना मैं उसके साथ लाजमी बॉयल राइस लेती हूँ मुझे दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं और आज तो ना सबने राइस खाने थे तो फिर सिस्टर ने राइस बॉईल कर लिए थे और ये मैंने ना तड़के के लिए लहसन को कट कर लिया है और अभी मामा इसका तड़का बना रही हैं हमारे घर में जब भी तड़का बनता है ना दाल का तो वो हम सरसों के तेल में बनाते हैं और इससे ना दाल का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है तो मामा ने यहाँ पर सरसों का तेल लिया था लहसन इसमें ऐड किया था ज़ीरा और ग्रीन चिलीस और इस टाइम पर ना मेरे ट्राई को पता नहीं क्या हो गया था कैमरा ना उस पर सेट नहीं हो पा रहा था तो मैं हाथ से रिकॉर्ड कर रही हूँ और आई नो ये बहुत हिल रहा है लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा हाथ से ना मोबाइल पकड़ के रिकॉर्ड करना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और पता नहीं आज मेरा हाथ भी बहुत ज़्यादा हिल रहा है एनी हाउ आज के लिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा डिनर करने के बाद ना मेरा चाय पीने का दिल कर रहा था और सिस्टर ने ना ये पिंक टी का कैवा रेडी कर लिया था तो अभी मैं अपने लिए पिंक टी बना रही हूँ और गैस इस टाइम पे चली गई है तो मैं ये माइक्रोवेव में ही बनाऊँगी फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पिंक टी की रेसिपी चाहिए तो वीडियो के नीचे आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी सो यहाँ पर मैंने इसका कहवा तकरीबन हाफ़ कप लिया था इसमें मैंने मिल्क ऐड किया है और चीनी ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने शक्कर ऐड कर दी थी देन मैंने इसको माइक्रोवेव में गरम कर लिया था और फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को गमले कैसे लगे और जो मैंने कप लिया था वो कैसा लगा और अगर आप लोग किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे व्लॉग देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज